रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिही वसहाबिही अल बैतिही अजमाइन अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में मैं दीवान उस्मान फ़िर चिश्ती हाजिर हूँ। बाबा जी हुज़ूर गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे और उर्स के मुतालिक जो है एक अहम पैगाम और अहम ऐलान है जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। 25 ज़िलहज से 10 मुहर्रम तक तमाम रसूमात जो हैं वो अपनी शान और शौकत के साथ सदियों से जो होती आ रही हैं उसी तरह जारी और सारी रहेंगी। इसमें जो इंतजामिया से हमारे तमाम मामला तय पाए हैं उसमें पांच मुहर्रम की बश्ती और 6 मुहर्रम की बश्ती जो है वो अपने टाइम के मुताबिक खोली जाएगी। सिर्फ फर्क इसमें यह है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगी। रसूमात में आए हुए जितने भी किबला दीवान साहब दीवान मदूद मसूद चिश्ती सजादा नशीन दरबारे आलिया के साथ जितने भी उनके मेहमान होंगे जिनको वो अलाउ करेंगे वो बश्ती गुजरेंगे और उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद दोनों दिनों में दरवाजा जो है वो बंद हो जाएगा। इसमें एक ऐलान करने का मकसद ये है कि एक अहम पैगाम ये है कि जो ज़हरीन यहाँ पे आकर क्याम करते थे मुख्तलिफ इलाकों से वो क्याम की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। कोई होटलिंग आपको अवेल नहीं होगी। किसी लंगर खाने पे, किसी आस्थाने पे, किसी खानकाह पे जो है आपको कोई कमरा अवेल नहीं होगा। जो भी ज़हरीन आएंगे मुख्तसर आएंगे हजूर की हाजिरी देकर उसी वक्त चंद मिनटों के बाद दरबार से वो वापस नीचे चले जाएंगे और वापसी अपने इलाकों को चले जाएंगे। और इसमें 3 की बश्ती, 4 की बश्ती और 5 की बश्ती जो है वो दरवाजे जो है वो नहीं खोले जाएंगे क्योंकि एक सदियों से जो रस्म आ रही है सिर्फ वही रस्मात होंगी। और किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती सजादा नशीन दरबारे आलिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजेशकर रहमतुल्लाह अलैह अपने दस्ते शफकत से जो है रस्म अदा करेंगे। और इसमें बिलखसूस जो लोग दूर दराज से आते थे, आप देखें ये कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन हो गई, तो इस बीमारी को जब अल्लाह पाक ने हम पे रहमत फरमाई है कि ये बीमारी पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो रही है तो हम इस इवेंट की वजह से इस बीमारी को दोबारा ना फैलाएं, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं कि बश्ती दरवाजा जो है आम पब्लिक के लिए नहीं होगा। जो दीवान साहबान के अपने लोग हैं या उनके खानदान के लोग हैं सिर्फ वही दरवाजा गुजरेंगे और वही दरवाजा गुजरने के बाद फौरन दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। बाकी रसूमात जो है वो भी आम पब्लिक के लिए नहीं होगी। और बाबा जी की हाजिरी का जो तरीकाकार है, हाजिरी में भी मखसूस लोग जो है हाजिरी के लिए जाएंगे। जो दूर दराज से लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने घरों में अपने इलाकों में जो है बाबा जी का उर्स जो है गए बगए हमारे वीडियो लिंक से हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग जितने काम आएंगे उतनी बेहतरीन तरीके से जो है उर्स होगा। अभी हमें अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप के कई ममालिक से जो है कॉल्स आ रही हैं कि हम लोग उर्स पे आए या ना, उन सबकी खिदमत में गुजारिश है कि आप जहां पे भी हैं उर्स वहां पे देखें। उर्स होगा, उर्स मुतवी नहीं हुआ, उर्स अपनी तमाम रसूमात के साथ मुकम्मल होगा लेकिन कम लोगों में। हम ये कह देंगे कि अगर 25 से 40 लाख लोग जो है 50 डेज में विजिटर आते थे दरबार बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे, तो इतने नहीं होंगे। अगर हम पूरे दिनों की कैलकुलेशन करें तो मुश्किल से ये 5-10-20,000 तक भी 15 डेज तक मुश्किल से जाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग अपने अपने घरों में क्याम करें। और पाक पतन में कोई रिहायश का इंतजाम नहीं है, चाहे वो सिटी के लोगों का हो, चाहे वो होटलिंग का हो, चाहे इंतजामिया की तरफ से हो, कोई रिहायश का इंतजाम नहीं है। जो लोग आएंगे वो डे बाय डे आएंगे। डे बाय डे में किस तरह आएंगे कि मास्क और सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और दरबार शरीफ पे क्याम नहीं किया जाएगा। और जो रात की महफिल समा होती थी वो भी नहीं होगी, वो भी मुलतवी हो गई है। मैं तमाम बाबा जी के मुरीदीन अकीदतमंद उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग आप काफिलों की सूरत में आते थे इस दफा ऐसा नहीं होगा। चंद लोगों को इजाजत होगी जो दिन में और शाम में हाजिरी देकर वापसी चले जाएंगे। रात रहने की पाक पत में बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। और जो जायरीन अकीदतमंद मुरीदीन और बाबा जी से निस्बत रखने वाले लोग अगर वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे आकर क्याम करेंगे और 5 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे, वो बिल्कुल इस इरादे को तर्क कर दें। और बाबा जी की औलाद की तरफ से और तमाम सजादगान की तरफ से ये मैसेज है कि आप लोग जो है हाजिरी पे आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे रैश पजीर नहीं हो सकते, यहाँ पे क्याम नहीं कर सकते। तो मेहरबानी फरमाइएगा ताकि बर्डन ना पड़े। और जो हमारी जो इंतजामी है वो हमसे बहुत अच्छा कॉपरेट कर रही है, बिलखसूस खान साहब इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और पंजाब हुकूमत का जिन्होंने ये फैसला किया कि जो रसूमात हैं
उर्स मुबारक की वो उसी तरह होंगी और सजादगान जो है वो रसूमात अदा करेंगे, उनके साथ जो सजादगान है उसे वही जाएंगे और वही वापिस आएंगे और वो महदूद लोग होंगे। ये नहीं कि हमने जो है 10-20 हजार या 50 हजार लेकर दरबार में इन होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और बिलखसूस औरतों को बिल्कुल इजाजत नहीं होगी दरबार पे आने की, ना रहने की होगी, ना क्याम करने की होगी। अगर कोई लोग आते भी हैं और कोई बीवियां बहनें आती भी हैं तो मखसूस टाइम, उस टाइम को आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप हमारे इस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि बाबा जी के उर्स पे कम से कम लोग आए, ताकि हम ये कोरोना जैसी मुजी बीमारी जो है इससे महफूज रह सकें, खुद भी बच सकें, लोगों को भी बचा सकें और बाबा जी अकीदतमंद जो है आते हैं दूर दूर से उनको भी इस बीमारी से बचा सकें। और बिल्कुल सोच मैं फिर आपसे अर्ज करना चाहूंगा, इंतजामिया हमारे साथ फुल कॉपरेट कर रही है, आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि बाबा जी के जितने मुरीदीन हैं ये भी इंतजामिया से कॉपरेट करेंगे। 3 की बहिश्ती 4 का दरवाजा और 5 का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा, 10 मोहर्रम को गुसल होगा और उर्स अलविदा हो जाएगा। ये रसूमात तमाम सिर्फ सजादगान के लिए हैं, पब्लिक के लिए कोई रसूमात नहीं होगी, पब्लिक के लिए कोई महफिल समा नहीं होगी, पब्लिक के लिए किसी भी डेरे पे, किसी भी नीचे सिटी में किसी जगह पे भी कोई कवाली का इंतजाम नहीं होगा और कोई भी जगह पे कोई हजूम वाली जगह जिस तरह लोग अपना वो एक सराव में या मुख्तलिफ जगह पे महफिल का इहतमाम करते थे और लोग वहां इकट्ठे हो जाते, कोई गैदरिंग नहीं होगी और बिलखसूस कोई लंगर भी नहीं होगा। जो दीवान फैमिली की तरफ से लंगर होगा ये पैकिंग में होगा, जो भी अगर इनके जिस तरह लोग आते हैं उन्हें पैकिंग में लंगर होगा और वो पैकिंग में ही तकसीम किया जाएगा। ना लंगर बैठा कर खिलाने की कोई रस्म रिवाज होगा और ना यहाँ क्राउड करने का होगा। जितने भी लोग अगर जो भी लोग आ गए जिन्हें मौका मिल गया हाजिरी करने का, वो SOP का पूरी तरह ख्याल रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे और कम से कम लोग आए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बाबा जी का उर्स हर साल आएगा, जिंदगी बखैर हर साल हमने उर्स करना है, अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी मौका अता किया तो ये उर्स चलते रहना है। लेकिन इस दफा जो है हज का आप इवेंट देख लें कि कहां पे 40 लाख लोग जो है हज करते थे, आज वहां पे जो है 5000 और 1000 से 5000 की जो तादाद है उन्होंने हज पढ़ा है। तो मैं आप सबकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप हमारा साथ दें, इंतजामिया का साथ दें ताकि ये उर्स भी हम कर सकें और कम गैदरिंग में कर सके। जज़ाकअल्लाह, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम बाबा जी के उर्स पे आपके लिए दुआ करेंगे। तमाम अकीदतमंदों को बाबा जी का उर्स मुबारक और बिलखसूस कराची वाली आवाम, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप कराची में मुकीम रहें, वहां से उर्स को देखें। हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी का उर्स जो है पूरा लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाया जाए ताकि आप लोग जो है वहीं से बैठकर बाबा जी की बारगाह के तवसल से अल्लाह से दुआएं कर सके। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे और बिलखसूस दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशंकर को और उनके तमाम दीवान फैमिली को और उनके साहबजादगान को अल्लाह खैर आफरीत फरमाए और इनकी उम्र दराजी अता फरमाए ताकि ये इसी तरह हजूरगंज शकर रहमतुल्लाह लेके आस्थाने की खिदमत कर सकें। आप हमारे लिए दुआ रहिएगा, मैं आपके लिए दुआ गोरूंगा। जजाकअल्लाह, वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।